दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में शामिल होने जा रहे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और उन्हें बुराड़ी से डीसीपी ऑफिस सिविल लाइन्स ले गई। हालांकि कुछ देर बाद मिश्रा पुलिस के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान वे भगवा रंग की पगड़ी पहने नजर आए। कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि वो विघ्न डालेंगे, आज पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं जाएंगे दोबारा भव्य शोभा यात्रा निकल रही है और पूरे जोश और ऊर्जा के साथ निकलेगी। रूट क्या रहेगा? पुलिस के साथ जो निर्धारित रूट है उसका पालन करेंगे। कुछ लोगों को लगता था कि एक बार विघ्न डालेंगे तो शोभा यात्रा बंद हो जाएगी, उत्सव बंद हो जाएंगे, त्योहार बंद हो जाएंगे। उन लोगों को आज मुंह तोड़ जवाब मिला है और दिल्ली पुलिस ने जो इंतजाम किए हैं बिना किसी भय के भव्य शोभा यात्रा यहाँ पे निकली। ऑर्गेनाइजर के साथ हम लोग कम्युनिकेशन में है और ये शोभा यात्रा जहाँ से तहाँ तक जाएगी हम लोग रहेंगे। पूरा राउंड लगाएंगे। सर आपने क्या रूट दिया है, कितनी दूरी तक की आपने अनुमति दी है? वो आप लोग देख रहे हैं ये रूट है, इसी रूट पे हम लोग हैं, आप भी हैं। कितनी दूरी की अनुमति दी है? अब स्ट्रेच है जो जहाँ तक जो ऑर्गेनाइजर के साथ जो बैठ कर बात हुई है उस रूट पे होगा। थैंक यू। क्या रूट दिया गया है? अब देखिए ये लोग तो कहें कि जो तय रूट था उसी इस रूट पर हम लोग हैं और अभी लॉ एंड ऑर्डर का अरेंजमेंट करने दीजिए, फिर बात करते हैं थोड़ी देर में। थैंक यू।